अक्टूबर झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो। गो तस्करी के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद प्रांत के गोरक्षा दल ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। दल के प्रांतीय प्रधान आजाद सिंह ने कहा कि सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस कर्मचारी ही गो तस्करी करवा रहे हैं। ऊपर से भरे कंटेनर को कहां ले जा रहे हैं, तो सीआईए वन ने जबरदस्ती 4 गो भक्तों को उठा करके थाने में ला करके पीटा था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज करनाल में सैकड़ों गो भक्त साधु संतों के नेतृत्व में एसपी साहब से और आईजी से मिले और एसडीएम साहब के माध्यम से मोदी जी को ज्ञापन भेजा कि राम और कृष्ण के देश में गो माता की सेवा करने वाले गो भक्तों को इस तरह से थर्ड डिग्री थाने में दी जाती है और गो तस्करी कराई जाती है। पुलिस द्वारा सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो एसपी करनाल ने और मैं आईजी साहब का विशेष धन्यवाद करूंगा, यहां के करनाल के जो आईजी हैं उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है। करनाल में गोरक्षकों का एक दल प्रदर्शन करते हुए पहले आईजी फिर सेक्टर 12 में एसपी से मिले। गोरक्षक पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से भी मिल चुके हैं। गोरक्षकों का आरोप है कि पुलिस के ये कर्मचारी गोवंशों से भरे कंटेनर को यूपी सीमा पार कराने के लिए रोहतक से पार करते हुए करनाल लेकर आए थे ताकि आसानी से यूपी सीमा क्रॉस कर सके। करनाल से न्यूज के लिए के स्वीट की रिपोर्ट। बंद करो ये अत्याचार।